छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने का मामला बताया। आपको झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है और प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। 5 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील पर यह सुनवाई हुई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। 5 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने का यह मामला जिसमें आज सुनवाई हुई, और बताएं आपको कि इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया गया है। 5 अक्टूबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। यह छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट का यह मामला, अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील पर यह सुनवाई की गई है। छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने का यह मामला। और हमारे साथ सहयोगी आयुष जुड़े हुए। आयुष, छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, क्या कुछ अपडेट रहा? आरती, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आयुष, आप बताएं। जी देखिए आरती, आज जो है झारखंड हाईकोर्ट में कह सकते हैं सुनवाई जैसे कल ही गई, क्योंकि जैसे जो आज जो सुनवाई होनी थी उसमें ये कहा जा रहा था कि काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है, लेकिन जो खंडपीठ में, क्योंकि जो एकल पीठ ने इस मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए प्रेस लिस्ट जारी करने को कहा था, उसके बाद उसके जो आदेश के खिलाफ जो है जो खंडपीठ है उसपे जो मामला दायर किया गया था, और मामला दायर करने के बाद सुनवाई हुई थी, और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि यथास्थिति बनी रहे और जो भी पक्ष है वो दलील पेश करेंगे। तो ऐसे में आज जो है ये तिथि मुकर्रर थी, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के दौरान जो अपीलार्थियों की ओर से पिछली दफा ये कहा गया था कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी जाने की खतरा, उन्हें प्रतिवादी बनाया जाए, तो प्रतिवादी बनाते हुए जो अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वरीय अधिवक्ता पी एन शाही, अधिवक्ता सुमित गरोदिया ने पक्ष रखा, वही कह सकते हैं कि मीनाक्षी अरोड़ा और वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा, और सभी की सहमति से जो है अगली जो सुनवाई में जो है बहस करने के लिए तिथि मुकर्रर की गई है 5 अक्टूबर। देखिए अभी ये कहा जा रहा था कि जो सुनवाई है कतार से ले और इसके जल्दी फैसला है, क्योंकि लगभग 100 से अधिक लोगों की नौकरी को लेकर जो एक सवाल है, और एक ऐसी नौकरी कह सकते हैं जिसके लिए सपना होता है, तो जो भी सुनवाई होनी है वो सुनवाई के बाद कह सकते हैं कि जो भी दलील पेश की जाएगी उसके लगभग हम कह सकते हैं कि 2 से 3 सुनवाई में ये फैसला आ सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।